गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आए हैं। इनमें से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितने अवधि के भीतर भरा जाएगा? एक मास, छः मास, तीन मास या एक वर्ष? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? छः मास के अंदर। भारत के संविधान के अंदर भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति की अवधि के जो भीतर का जो गैपिंग होती है दोस्तों, वो ज़्यादातर क्या होगी? 6 मास का, चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे प्रेसिडेंट का होगा, ये कितने का होगा? 6 मास। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत अवधारणा कहाँ के संविधान से लिया है? हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत, अर्थात इसे शॉर्टकट में कहते हैं DPSP। क्या कहते हैं दोस्तों? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी अवधारणा संविधान में कहाँ से ली गई है? USA, कनाडा, USSR या आयरलैंड? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो है अवधारणा जो ली गई है वो दोस्तों कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। अगर आपसे लिख करके पूछे कि DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में दोस्तों, तो ये भाग 4 में, किस में भाग में? 4 में। नहीं याद है DPS और P, टोटल वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात इसे लिख करके दोस्तों छुआछूत भी लिख करके पूछता है? छुआछूत, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16 या 17? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। मोस्ट बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट बड़े क्वेश्चन इतनी बार आया है, ये लगातार जितने भी इंडिया कम्पिटेटिव वगैरह एग्जाम्स होते हैं इसमें ये आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है 17। साथ साथ में आपको मालूम है 14 भी जानना है। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो आपने 15 भी पढ़ा होगा। 15 में 5 बातें, धर्म, जात, लिंग, जनभेद आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ में आपको मालूम है कि आर्टिकल 16 की अगर हम बात करेंगे, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, आर्टिकल वगैरह आप रट के रखिए बिल्कुल नंबर वगैरह। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता? प्रेस और समाचार पत्र, संसद, न्यायपालिका या कार्यपालिका? चौथी सत्ता या फोर्थ पिलर या आपसे लिख करके पूछेगा दोस्तों चतुर्थ स्तंभ या लिख करके पूछेगा चौथा खंभा। पिछली बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में लिख करके पूछा करता था चौथा खंभा, क्या पूछेगा? चौथा खंभा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता? प्रेस और समाचार पत्र, संसद, न्यायपालिका या कार्यपालिका? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेस और समाचार पत्र के लिए जो है चौथी सत्ता का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा किसे कहते हैं? लोकतंत्र का चौथा खंभा तो कभी कभार लिखा रहता है मीडिया पब्लिक प्रेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? तो दोस्तों जब हम समता की बात करते हैं तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 14। अब डिवाइडेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये 14 से 18 है। क्या दोस्तों? 14 से 18। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19, वाक्य स्वातंत्र का जो अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 19। 20 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 20 भी आपको जानना जरूरी है, साथ साथ में 21 भी जानना जरूरी है, अनुच्छेद 20 और 21। 21 में दोस्तों है प्रोविजन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और यहाँ आपका दुस्थिति से संरक्षण है। जब आएंगे आर्टिकल वगैरह की बात करें तो आर्टिकल आप रट करके आइए, आर्टिकल जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका है, अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? संविधान में मौलिक कर्तव्य 40वां संशोधन, 42वां, 44वां या 45वां? अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की।
मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये फंडामेंटल होते हैं ड्यूटीज, क्या होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिए कहाँ से गए दोस्तों, मोस्ट बड़े क्वेश्चन आए, USSR इसको ग्रहण कहाँ से किया गया, USSR से किया गया। अब बताते हैं कि ये किस पार्ट में है दोस्तों, तो ये पार्ट 4A किसमें है, नहीं था ये पार्ट 4A। अब आपको ये जानना जरूरी है कि किस माध्यम से ये जोड़े गए, तो ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 1976 में जुड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं और पहले कितने थे, दोनों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो कमेंट कर रहे हैं और नहीं तो वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, कम से कम अगर आपको ये आंसर याद होगा तो हमें भी पता चल जाएगा, और अगर नहीं याद होगा तो कम से कम हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आप संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 29 का, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम मौलिक कर्तव्य की दोस्तों बात करते हैं तो उसे कहते हैं यफडी, और जब हम मूल अधिकार की बात करते हैं उसे कहते हैं यफआर, फंडामेंटल राइट। यहाँ यफडी की बात हो रही है, मात्र इसके लिए अनुच्छेद एक है, अनुच्छेद 51A या आर्टिकल 51A। अब से लिख करके पूछेगा कि टोटल जो है, मैंने क्वेश्चन तो आप लोगों से कर ही लिया, तो ये विशेष ध्यान देना कि किस पार्ट में कहाँ से लिया गया, कितने हैं टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज, यह सब जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, 1971, 1972, 1975 या 1976। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1976, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात अभी हमने बताया आप लोगों को कि 42 अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ, 1976 में, अर्थात ये कब समाविष्ट किए, 1976 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता मोस्ट बड़े क्वेश्चन है, इसको लिख करके पूछेगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो दोस्तों लिख करके पूछेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों, 21, प्रोविजन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 14 की बात करेंगे, अभी समता दोस्तों आपने पढ़ा, इसे विधि का शासन भी कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, अनुच्छेद 14 को। नेक्स्ट अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम किसी भी कारखाने या डेंजरस प्लेसेज EDC आदि स्थानों पर कब तक कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता, जब तक उसकी एज कितनी हो, 12 वर्ष हो, 14 हो, 18 हो या 20 वर्ष हो। राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, 14 वर्ष। कहाँ पढ़ा दोस्तों आप लोगों ने, ये कमेंट करके, तो आर्टिकल 24 आप लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 24 का संबंध किससे है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, कि आर्टिकल 24 का संबंध किससे, क्या उसमें ऐसा कोई प्रावधान है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया, 30, 31, 32 या 35। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर दोस्तों बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32। फंडामेंटल राइट का जो लास्ट कंटेंट है दोस्तों वो आर्टिकल 32। नेक्स्ट, डॉक्टर VR अम्बेडकर जी का नाम तो दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा, डॉक्टर VR अम्बेडकर के ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, डॉक्टर VR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा था, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अर्थात आर्टिकल 32, आर्टिकल जो है 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, इसी डॉक्टर VR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा का। मोस्ट बड़े क्वेश्चन है, हृदय और आत्माएं आपको तीन मिलेंगी, आप मिलेगा जो है जब आप बात करेंगे परमेबल की तो वहाँ जस्टिस PN भगवती जी ने कहा है, यहाँ अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट में तो डॉक्टर VR अम्बेडकर जी ने कहा है, अगर वही चल करके आगे हम DPSP की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो वहाँ संविधान की आत्मा की अगर हम बात करेंगे ग्रेनिव आस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, उच्चतम अर्थात आपको मालूम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की, 2, 3, 5 या 6,
टोटल रिटों की संख्या दोस्तों कितनी है, 5 टोटल रिटें। अब आपको यह मालूम है कि रिट कौन कौन दायर कर सकता है। रिट आपको मालूम है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये जारी कर या तो हाई कोर्ट, और दोनों में सेम है। रिट जो है आपकी, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये रिट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब अगर आपसे लिख करके पूछेगा कि रिट सुप्रीम कोर्ट के तहत किस अनुच्छेद के, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। और टोटल वैल्यू कितनी है, 5, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अब इन 5 जो है रिट्स के नाम आप बताइए। रिट जो हैं ये 5 कौन कौन से हैं, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला मैं जो है कमेंट कर दे रहा हूँ, पहला बता रहा हूँ आप लोगों को, हैवियस कॉर्पस जिसे कैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप लोग इसको बताइएगा कमेंट करके कितनी रिटें हैं और रिटों का नाम क्या। नेक्स्ट, आजकल रिट पूछा जा रहा है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, 42वां संशोधन, 62वां संशोधन, 44वां या 43वां। जब बात करें दोस्तों संपत्ति के अधिकार को, पहले ये फंडामेंटल राइट अर्थात टोटल फंडामेंटल राइट पहले कितने थे, 7, वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों कितने हैं, 6। तो ये जो 7वां है इससे 44वां संविधान संशोधन अर्थात 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में से जो है यहाँ से, यानी फंडामेंटल राइट की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 के काम में आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। अर्थात अब संपत्ति का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट की सूची से जो है बाहर कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार। तो जीवन का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में जो उल्लेख है दोस्तों, वो आपका फंडामेंटल राइट है, अर्थात ये आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो हो जन्मसमय पर अप्रतिदेय अधिकार होते हैं, इसे कहते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार दोस्तों, कैसा, मौलिक अधिकार। वहीं जब बात करेंगे राजनीतिक अधिकार की, तब आप पकड़ेंगे आर्टिकल 326, मत देने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार या प्रजातांत्रिक अधिकार। नेक्स्ट, या स्टेट्यूटरी राइट। नेक्स्ट आपका, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अभी कुछ ही देर में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। बात आप लोग इसको फटाफट प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को जल्दी जल्दी जो है कोशिश करके सब्सक्राइब कराएँ ताकि हम लोग लाइव आ सकें। थैंक यू दोस्तों।